नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हरदोई की पिहानी में गायत्री प्रज्ञा पीठ पिहानी में रामनवमी का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती पी के वर्मा व विजय लक्ष्मी मौजूद रही। ठीक 12 बजे भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ। महिलाओं ने गीत गाए। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने कहा कि भगवान राम जी वास्तव में मर्यादा के कठिन परिश्रम करता तथा कड़े पक्षधर थे। आमतौर पर तो हम उन्हें हर रोज याद करते हैं, लेकिन आज उन्हें याद करने व उनके आदर्शों का पालन करने का विशेष दिन है। पी के वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि रामनवमी यूं ही नहीं मनाई जाती है, इसे मनाने के पीछे भगवान श्री रामचंद्र जी का इतिहास जुड़ा हुआ है, जिन्होंने जनता के कल्याण के लिए 14 वर्ष तक वनवासी जीवन व्यतीत किया था। उन्होंने अपने वनवास के दौरान पत्नी माता सीता को खोया था। वह अपने युद्ध प्रणाली से रावण को हराकर अपनी पत्नी को वापस लाए। विजय लक्ष्मी सिंह ने कहा कि रामनवमी बड़ी ही श्रद्धा और आस्था से साथ मनाया जाता है, क्योंकि यह हिंदुओं के एक पवित्र व धार्मिक त्यौहार में से एक है, जो स्वयं परमात्मा का दिया हुआ जन्मोत्सव है, जो आम जनता को सर्वोत्तम शक्ति प्रदान करता है, लोगों को मर्यादा की सीख देता है। इस मौके पर संजय सिंह, देवेंद्र मिश्रा, प्रदीप राठौर, अनु शर्मा, नीलम शर्मा, स्मिता कपूर, साधना कपूर, मृदुल कपूर, गोपाल कपूर, दिनेश गुप्ता, गौरव कपूर आदि समेत कई लोग उपस्थित रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए प्रमोद सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।